आर्थिरसिलोसिस एंड माओकार्डियल इन्फेक्शन ये तीन डिसऑर्डर्स आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हार्ट कि इफ द हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली क्योंकि हार्ट को हमने कहा था कि अगर एक भी चैम्बर में कोई इशू हो रहा है इवन ब्लड वेसल्स में इशू हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड जिसको हमने कहा था डिटेल हमने कहा था कॉम्पोजिशन अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाए तो इट कैन कॉज डिफरेंट डिसऑर्डर्स ठीक है सो आथिरोसिलरसिस वॉट इज आथिरोसिलरसिस यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी है दैट इज़ बैड फैट्स होता क्या है कि कुछ भी ऐसी हम कहते हैं कि सिंपल हार्ट का कनेक्शन किससे हैं डिफरेंट ब्लड वेसल्स से हैं ठीक है, है थीके? यहाँ पर हम इम्पोर्टेंटली कह रहे हैं कि अगर इफ़ इन द हार्ट द वेसल्स द ब्लड वेसल्स जस्ट गेट ब्लॉक्ड अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए और यहाँ पर हम कहते हैं कि जब ब्लॉक की बात आ रही है तो ऑब्वियसली पैसेज में एक चैनल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ मटीरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हेंडर आउट हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर बैड फैट्स की बात हो रही है जहाँ कोई कहीं बुक्स में आपको मिलेगा प्लाक ठीक है तो ये क्या होता है कि जो बैड फैट्स है जहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है लो डेंसिटी लिपो और कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड्स जो फैट्स हैं जो बैड फैट्स है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो जाके उस ब्लड वेसल्स में जाकर उस ब्लड वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि जो आर्टरीज होती है उनका जो ल्यूमन का साइज होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नैरो होता है तो अगर आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना हम कह रहे कि वहाँ पर बैड फैट्स एक्यूमुलेट हो गया है उस ब्लड वेसल्स में तो जितना ल्यूमन का साइज़ होता है वो और ज़्यादा नैरोवर हो जाएगा जितना नैरोवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसकी मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी राइट right? तो यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब बैड फैट्स एक्यूमोलेट इन द ब्लड वैसल्स सो इट कॉज आथिरोसिलोसिस ठीक है और उस बैड फैट्स के अंदर कुछ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं और ये वो फैट्स हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है और सिंपल ब्लड वेसल्स में जाकर एक्यूमलेट होकर उस ब्लड वेसल्स को जो है वो उनके पैसेज को जो है वो मूवमेंट को जो है वो हिंडर आउट करती है डिस्टर्ब करती है और उस से ये डिजीज़ कॉज हो रही है नैरोइंग ऑफ ल्यूमिन हम डिस्कस कर चुके कि वहाँ जो हॉलो स्पेस है उसका वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो ये बेसिकली जो आथरसलरो आगे जाकर एक और डिसऑर्डर को लीड करता है डेट इज़ अ माओकार्डियल इन्फेक्शन यानी ये एक डिसऑर्डर से दूसरे डिसऑर्डर पर भी ईजीली हम जो है वो ऑब्जर्व आप कर सकते हैं राइट सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज आर्ट्रियोसिल्रोसिस नाम से लग रहा है आर्थ्रियोसिल्रोसिस एंड आर्ट्रियोसिल्रोसिस आर्थियों में आपको नॉर्मली देखिए आर्टरीज में क्या हो रहा है कि ब्लड जो है जो फैट्स है आर्थरी का टर्म आता है फैट्स से वहाँ पर ब्लड फैट्स की जो है एक्यूमुलेशन हो रही थी आर्टरीज के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आर्टरीज लॉस इलास्टिसिटी ठीक है दोनों में नाम से सिमिलर ही हैं लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर बैड फैट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि आर्टरीज ने अपनी जो इलास्टिसिटी है ठीक है वो लॉस कर दिए सिंपल अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एजिंग भी हो रहा है एज बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको इंटरलिंक भी कर सकते हैं कि जितना फैट्स एक्यूमलेट होगा तो ऑब्वियसली साइज़ ऑफ ड्यूमन छोटा हो गया ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है और हमने डिस्कस किया था इन माई लास्ट वीडियोज़ कि आर्टरीज जो है वो उसमें तीन लेयर्स थी अगर आपको का एंटीमा ड्यूटूनिका एक्सटर्ना याद हो ठीक है तो हमने डिस्कस करता था बहुत डिटेल में कि वो बहुत थिक जो है वो उसकी लेयर्स होती हैं तो वो क्या करती है क्रिएट करती है प्रेशर और जितना क्रिएट करेंगी प्रेशर उतना तेज़ी से जो है ब्लड वहाँ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी आप यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पर जितनी थिक जो है वो लेयर्स है उतनी ज़्यादा वो क्या होंगी इलास्टिक नेचर की होंगी अब वहाँ पर जब प्लाक वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया तो ऑब्वियसली उसका जो इलास्टिक नेचर है जो फिब्रस का नेचर था उसका तो इलास्टिसिटी वो क्या हो जाएगी उसकी लॉस हो जाएगी एजिंग के हिसाब से हो रहा है और जब ये लॉस हो जाती है जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो एक हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जब कोई एक पैसेज से हम जाना चाह रहे हैं और वहाँ पर एक क्राउड आ जाता है और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से वहाँ से निकल जाए तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ से वो चीज़ पास नहीं हो पाती डिस्टरबेंस क्रिएट आ जाती है हम कहते हैं रेजिस्टेंस आ गया वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर भी ये कि जब कोई एक पैसेज में कोई ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पर एक प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा और अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है डिसऑर्डर की तरफ से जा रहा है और हार्ट को ब्लड अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम कॉज कर रहा है इवन किसी भी बॉडी के पार्ट वर्ग हार्ट जो ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था इट कैन कॉज डिफरेंट डिसऑर्डर्स राइट अच्छा इट कैन लीड टू वेस्कुलर हैमरेज वॉट इज वेस्कुलर वेस्कुलर हम डिस्कस कर चुके वेसल्स ब्लड वेसल्स यानी जितनी ब्लड वेसल्स हैं आर्ट्रीज वेन्स कैपलरीज तो ये उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है इट कैन क्रिएट एनी अदर प्रॉब्लम एज वेल ठीक है तो आपने यहाँ पर सिंपल समराइज किया होगा कि एक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर को क्या कर रहा है लीड कर रहा है सब आपस में इंटरलिंक्ट है द थर्ड वन मायोकार्डियल कार्डियल इन्फेक्शन यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है हार्ट अटैक हम कॉमनली आपको बुक्स में डिफरेंट बुक्स में इंटरनेट में मिलेगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक से भी जो है वो हम टर्म uh, जो है वो उसको साउंड कर रहा होता है कि हार्ट अटैक है दैट इज़ अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन अब यहाँ पर हार्ट अटैक की बात क्यों हो रही है यानी हार्ट पे ऐसा क्या हो गया कि जो कि डिसऑर्डर कॉज हो रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कोरोनरी आर्ट्री ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी इज मेनली मेनली प्रेजेंट इन द हार्ट ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टरी हार्ट के स्ट्रक्चर में हार्ट में पेरिकार्डियम में अगर आपको तो याद हो बैक लेग स्ट्रक्चर उसके अंदर ये जो है वो प्रेजेंट होती है आर्टरी और ये इसका काम सिर्फ ये था इट जस्ट हैव टू सप्लाई द ब्लड और कैन से सप्लाई द न्यूट्रंस नरिशमेंट टू द हार्ट ये सिर्फ हार्ट के अराउंड होती है आर्टरी और उसको सप्लाई करती है ब्लड देती है और नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है राइट right? तो अगर ये कोरोनरी आर्टरी ही डिस्टर्ब हो गई उस जो है ब्लॉक हो गई है वहां पर फैट्स की एक्यूमुलेशन हो गई है या कोई और इंजरी हो गई है तो अगर वो आर्टरी ही डिस्टर्ब है तो हार्ट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा इट मीन्स कि यहाँ पर हार्ट इट्स खुद क्या है वो इन uh, डेंजर है राइट नॉट सप्लाई न्यूट्रंस टू हार्ट यानी कोर आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए है और अगर वो ख़ुद ही डिस्टर्ब है वहाँ पर उसकी कोई ब्लॉकेज हो गई है तो वो किस तरह से न्यूट्रंस प्रोवाइड करेगा हार्ट को हाई फैट डाइट यहाँ पर भी हम फैट्स की बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल फैट्स लो डेंसिटी फैट्स लिपो ये सारे अनडाइजेस्टेबल होते हैं और इट टेक्स अलॉट ऑफ टाइम फॉर डाइजेशन तो ये क्या होते हैं हमारी वेसल्स में जाके एक्यूमुलेट होके इट कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो जो हमने कहा था कि यहाँ पर लिंक जो है मायोकार्डियल का वो आथिरोसिनसिस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो यानी अगर फैट्स एक्ूमुलेट हो गया ब्लड वेसल्स में तो इट कैन लीड टू मायोकार्डियल माओकारेशन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस थ्री डिसऑर्डर्स एंड दिस थ्री आर ऑल लिंक एंड इट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़